अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी वीलॉग्स। आज एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया कि उनके पास जो लाइसेंस है वो पीबी लाइसेंस है, यानी प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस है, स्पेशल लाइसेंस है, और उसमें ये लिखा है कि 7.62x39 क्लाशनकोफ, और दूसरा उनके पास जो लाइसेंस है उसके अंदर लिखा है 7.62x39 राइफल। इन दोनों में उन्होंने बोला कि इसमें फर्क क्या है, तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा 7.62x39 की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में या हमारे सूबे में खास तौर पे इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं समझा जाएगा, क्योंकि 7.62x39 जो है वो क्लाशनकोफ की गोली ही कहलाती है, और आम तौर पे क्लाशनकोफ जैसी ही राइफल्स, जो कि चाहे लोकल असेंबल्ड हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, या कोई भी हो, उस तरह की राइफल्स ये राउंड इस्तेमाल करती हैं, और जो इस्तेमाल कर रही है गन वो कैटेगरी राइफल की है। तो अगर वो 7.62x39 क्लाशनकोफ वाले लाइसेंस के ऊपर क्लाशनकोफ परचेज करते हैं, जो कि AK-47 कहलाती है, अगर वो परचेज करते हैं तो इस पर कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर, चूंकि मैं एक वकील हूं, तो वकील की हैसियत से मैंने इसमें एक पॉइंट जो समझा है वो हो सकता है कि लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी की नीयत ये ना हो, लेकिन मैं आपको एक फ्री एडवाइस या एक फ्री, इसमें जो हम एक रास्ता बना सकते हैं वो दूसरे किस्म का जो आपका लाइसेंस है 7.62x39 और इसके आगे लिखा है राइफल, तो इसके अंदर अगर उस लाइसेंस के ऊपर वो 7.62x39 इस्तेमाल करने वाली कोई और राइफल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं, वो भले ही क्लाशनकोफ ना हो, क्लाशनकोफ ना हो, जैसे AK-74 होती है, और इस तरह की एक दो और राइफल्स जो कि रशियन ओरिजिन की नहीं है लेकिन दूसरे ओरिजिन की वो हैं, चाइनीज बना रहे हैं, तो इस तरह की राइफल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं और उस पर कोई कानूनी तौर पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इवेंचुअली यही बात है कि 7.62x39 इज जनरली नोन एज क्लाशनकोफ, तो क्लाशनकोफ की गोली इस्तेमाल करें तो जाहिर है वो राइफल ही वही होगी। तो क्लाशनकोफ में, इसमें शॉर्ट हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, इसमें शॉर्ट हिस्ट्री जो इसकी है वो ये है कि 7.62x39 की जो गोली जो बनी थी वो तकरीबन 1943-44 में ये बनी थी गोली, और जो क्लाशनकोफ की जो राइफल है वो जो है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि 1946 के बाद, ये डिजाइन होने के बाद 1949 में ये आम इस्तेमाल में या रशियन आर्मी के इस्तेमाल में ये आई थी। तो ऐसा नहीं है कि 7.62x39 की जो गोली है वो और किसी राइफल में नहीं चलती, ऐसी और राइफल्स भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है उसके, जो कि क्लाशनकोफ का डिजाइन भी नहीं होता लेकिन उसमें भी ये गोली चल जाती है। लिस्ट मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी लिस्ट अच्छी खासी तवील है, लेकिन आप जो लोग इनके पास, जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है पीबी बोर का, वो लोग शायद मुझसे भी बेहतर समझते हैं कि कौन कौन सी राइफल्स हैं जो कि ये कैलिबर यूज करती हैं। तो आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं ये जिक्र जरूर करूंगा, जो बातें मैंने आपको बताई वो ये कि 7.62x39 क्लाशनकोफ या 7.62x39 राइफल, दोनों मकसूद जो है, जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी का है वो यही है कि ये क्लाशनकोफ खरीद लें, 7.62x39 क्लाशनकोफ होगी। लेकिन लिखने में जो फर्क आया है राइफल और क्लाशनकोफ, उससे एक बेनिफिट परचेजर को मिल गया है, लाइसेंसी जिसको लाइसेंस इशू हुआ, लाइसेंस होल्डर को यह मिलता है कि क्लाशनकोफ वाले में तो वो क्लाशनकोफ ही खरीदेगा, लेकिन राइफल वाले में वो क्लाशनकोफ से मिलती जुलती या इस कैलेबर को यूज करने वाली कोई भी राइफल खरीद सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने ये बताना मुनासिब समझा। उम्मीद है कि आपको इसका कानूनी जवाब और फ्री एडवाइस भी मिल गई होगी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर सब्सक्राइबर जिसने मुझे सब्सक्राइब किया उसका बेहद शुक्रिया कि वो मुझे पसंद करते हैं और सराहते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।